हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका अमन चेस वीडियोस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मिखेल बॉटविनिक वर्सेस जोस रोल कैपाब्लांका की एक और नई गेम दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग गेम है। तो दोस्तों, आइए गेम को चालू करते हैं। नाउ वाइट ने स्टार्टिंग करी। नाउ d4, नाउ नाइट f6, c4, e6, नाउ नाइट c3, बिशप b4। नाउ नाइट को पिन कर दिया। एंड नाउ जो कैपाब्लांका है उनने प्ले करा निम्जो इंडियन डिफेंस। नाउ e3, d5, a3। नाउ बिशप पे अटैक। नाउ बिशप c3, पॉन कैप्चर c3। नाउ दोस्तों, यहाँ पर डबल पॉन स्ट्रक्चर बन गया। ये दोस्तों जो डबल पॉन स्ट्रक्चर होता है वो दोस्तों जो लास्ट का गेम होता है उसके लिए थोड़ा, दोस्तों जब पॉन को प्रमोट करने के नंबर आता है तो दोस्तों जब दिक्कत आती है। तो दोस्तों ना वो गेम में खेला गया। नाउ c5, नाउ d5, पॉन कैप्चर d5। नाउ बिशप d3। नाउ ब्लैक ने करा नाउ शॉर्ट कैसल। नाइट e2, b6। वाइट ने भी करा शॉर्ट कैसल। नाउ बिशप a6। नाउ बिशप पे अटैक। नाउ बिशप कैप्चर्स ऑन a6, नाइट कैप्चर्स ऑन a6। नाउ बिशप b2 एंड नाउ क्वीन d7, a4, रुक fe8। नाउ क्वीन d3, c4। एंड नाउ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, दोस्तों फर्स्टली मैं बताना चाहूँ तो दोस्तों ये जो नाइट है नाउ दोस्तों, इस दोस्तों एक बहुत ख़तरनाक दोस्तों ट्रैप बन चुका है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो ब्लैक का नाइट है ऑन a6 स्क्वायर, वो दोस्तों किस तरह पर यहाँ आएगा। नाउ b3 पे एंड नाउ दोस्तों यहाँ पर जो ये पोन है e3 पर वो किस तरह पुश होएगा, और जो ब्लैक का नाइट है उसे दोस्तों कैप्चर करने के लिए जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो अपना नाइट है ऑन e2 वाइट का, वो किस तरह जा सकता है। और दोस्तों ये चीज़ें गेम में हो सकती है। और दोस्तों अभी वाइट की क्वीन भी जा रही है, और दोस्तों वो दोनों पॉन है वो भी बहुत डेंजरस हैं। तो नाउ गेम में खेला गया दोस्तों, वैसे तो ये सीरियस पोजिशनल पोजिशन है। तो आइए देखते हैं गेम में खेला गया। नाउ क्वीन c2, नाइट b8, रुक ae1, नाइट c6, नाइट g3, नाइट a5। नाउ दोस्तों जैसे कि उस ट्रैप में मैंने आपको दिखाया था कि नाइट किस तरह से इस वाले स्क्वायर पे आएगा, नाउ b3 पे, और दोस्तों वो नाइट आ चुका है। नाउ पॉन f3, नाइट b3। देखिए दोस्तों वो जो नाइट है वो इस तरीके से यहाँ पर आ चुका है। नाउ e4, नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन a4, नाउ e5। अब दोस्तों यहाँ पर जो वाइट का किंग है वो g1 पे है। तो दोस्तों अगर वो g1 की जगह, मान लीजिए रुक को किसी तरह, मान लीजिए गेम में रुक को हटा कर, मान लीजिए वो रुक की जगह पर आ जाता, वाइट वाला जो रुक है उसकी जगह आ जाता, या फिर दोस्तों किसी ऐसी जगह आ जाता, तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्लैक है उसका जो नाइट है वो दोस्तों यहाँ से डिस्कवर चेक लगा के उसको दोस्तों कैप्चर कर लेता। दोस्तों गेम में, गेम तो खैर ऐसा नहीं हुआ, पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके से होता तो क्या होता। नाउ नाइट d7 एंड नाउ क्वीन f2, नाउ g6, f4, f5, नाउ यहाँ पर e f6 पे दोस्तों वाइट ने एन पासेंट कर दी। दोस्तों एन पासेंट इस तरीके से ही होती है। नाउ अगर यहाँ पर पोन, अगर पोन के सामने ही पुश हो जाए
तो दोस्तों यहाँ पर एन पेसेंट हो जाती है दोस्तों, मैं इसकी भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। नाउ नाइट कैप्चोसन f6, नाउ पॉन f5, रुक e1, रुक कैप्चोसन e1। दोस्तों यहाँ पर दोनों ने रुक एक्सचेंज कर लिए। नाउ रुक e8, नाउ रुक e6। दोस्तों यहाँ पर रुक e6 इसलिए खेला गया ताकि दोस्तों कि जो वाइट का पॉन है, अगर मान लीजिए ब्लैक का जो रुक है वो वाइट का रुक को एक्सचेंज करता है, तो जो वाइट का पॉन है वो दोस्तों बहुत आगे तक पहुंच जाएगा और दोस्तों वहाँ पर प्रमोट की भी दिक्कत आ जाएगी दोस्तों ब्लैक को। नाउ रुक कैप्चरसन e6, पॉन कैप्चरसन e6, किंग g7। नाउ ब्लैक का नाइट जा रहा था। नाउ क्वीन f4, नाउ क्वीन e8, नाउ क्वीन e5। नाउ यहाँ पर क्वीन ने ब्लैक के नाइट को पिन कर दिया। नाउ क्वीन e7, नाउ ब्लैक की क्वीन ने ब्लैक के नाइट को सपोर्ट दिया। नाउ बिशप a3। अब दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर अटैक हो रहा है। नाउ दोस्तों यहाँ पर बिशप जो है b2 स्क्वायर से a3 स्क्वायर पे गया और दोस्तों यहाँ पर नाउ क्वीन पर भी अटैक है और दोस्तों यहाँ पर नाइट पर भी अटैक है ब्लैक के। तो दोस्तों गेम में तो खेला गया नाउ क्वीन a3 एंड नाउ नाइट h5, नाउ नाइट कैप्चरसन h5। दोस्तों यहाँ पर ब्लैक ने नाइट को कैप्चर कर लिया और नाउ क्वीन g5 चेक। और दोस्तों यहाँ पर ब्लैक का जो नाइट है वो किसी भी तरह सेव होगा नहीं। नाउ किंग f8, नाउ क्वीन कैप्चरसन f6, नाउ किंग g8 एंड नाउ e7। अब दोस्तों यहाँ पर चेकमेट भी हो रही है दोस्तों f8 स्क्वायर पे और दोस्तों यहाँ पर प्रमोटिंग भी हो रही है। तो दोस्तों गेम में खेला गया नाउ क्वीन c1 चेक एंड नाउ किंग f2, क्वीन c2 चेक। अब दोस्तों गेम में कुछ बता भी नहीं है, जो ब्लैक है वो बस चेक ही चेक लगा सकता। नाउ किंग g3, नाउ क्वीन d3 चेक, किंग h4, क्वीन e4 चेक। और दोस्तों अपन यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज भी नहीं करवा सकते क्योंकि दोस्तों फिर जो ब्लैक का किंग है वो f2 स्क्वायर पे आ जाएगा और दोस्तों जो वो प्रमोटिंग वाला डेंजरस पॉन है उसे दोस्तों कैप्चर कर लेगा। दोस्तों नाउ किंग h5, नाउ क्वीन e2 चेक एंड नाउ किंग h4, क्वीन e4। नाउ यहाँ पर दोस्तों ब्लैक वो वाइट चाह रहा है कि मेरे को चेक नहीं लगे। नाउ क्वीन e1 चेक, किंग h5। दोस्तों इसके बाद जो जोस रॉल कैपाब्लांका है उन्हें रेजिग्नेशन दे दिया क्योंकि दोस्तों आप कहीं भी चेक लग नहीं लिए और दोस्तों अब चेक भी नहीं लग रही है। अब दोस्तों मान लीजिए अपन कुछ भी चीज़ पुश कर लेते हैं, मान लीजिए इसे पुश करा, दोस्तों ऐसे पुश तो होगा नहीं। हम यहाँ पर बस यही हो सकता है कि अपन क्वीन को कैप्चर करवा दे रहे हैं दोस्तों, फिर भी यहाँ पर चेकमेट हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप मेरी गेम और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों आपको इस चैनल पर चेस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।